देखिए जी, ये बिल्ली की शरारतें चेक कर रहे हैं आप। अब ये दोनों फिर एक साथ, ये पीछे ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ है, लेकिन इनको कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। मानो 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 मानो, मानो 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 मानो। मानो 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 मानो। ये देखिए, ये दूसरी कैट भी इधर बैठी हुई है। ये दोनों बिल्लियाँ बहुत शरारतें कर रही हैं, बड़ी बहुत ज़्यादा खेल रही हैं इस जगह पे, और मौसम के साथ साथ इनका मौसम भी खुशगवार हुआ है। ये डेरा है, आप देख सकते हैं। ये देखें, इधर भैंसें बंधी हुई हैं। ये देखें जी, ये भैंसें बंधी हुई हैं। एक भैंस चुगाली कर रही है, पीछे उसका बच्चा जो है वो नींद कर रहा है, नींद पूरी कर रहा है। वो एक और दूसरी भैंस है, ये देखें जी बिल्ली कितने मजे से और निडर होके ये डेरे पे चल फिर रही है। और मज़े की बात यह है कि इन्हीं जानवरों के साथ ही रहती है, इन्हीं के साथ खेलती है, इन्हीं के साथ ही अटकेलियाँ भी करती है। और डेरे पे इन बिल्लियों को ना सिर्फ रोटी और खाना खिलाया जाता है, बल्कि इनको रोज़ दूध भी पिलाया जाता है, ताकि ये मोटे ताजे रहे और हेल्दी रहें। वो देखें जी, वो दूसरी बिल्ली आ गई। अब ये दोनों बिल्लियाँ इकट्ठी हो रही हैं। एक बिल्ली ऊपर चढ़ी हुई है और दूसरी भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे झाड़ी में बैठ के मस्ती से मौसम को एंजॉय कर रही है। इतने मजे से ऊपर बैठी हुई है। बहुत खूबसूरत बिल्ली है ये। मेरे साथ तो चूंकि इनकी फ्रेंकनेस नहीं है, लेकिन दूसरे जो इसको दूध डालते हैं शाम के वक्त और सुबह के वक्त, उनके साथ ये डेरेदार जो हैं उनके साथ ये खूब खेलती भी हैं।
और इंजॉय भी करती है। ये दूसरी बिल्ली इधर बैठी हुई है, पहली बिल्ली है, ये जी पहली बिल्ली वो आगे चली गई थी, अब ये उसके पीछे पीछे, ये भी उसकी पैरवी कर रही है। इन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा सलूक है। अब ये दोनों फिर इकट्ठी हो रही है, ये साइकिल खड़ा हुआ है जिस पर ये जमींदार रोज डेरे पे आते जाते हैं। पहले पहले ज़मानों में लोग पैदल ज़मीनों पे आ जाया करते थे, लेकिन आजकल चूंकि ज़माना बदल चुका है, अब ये साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गाड़ियों पर आते जाते हैं। ये ज़मींदार हैं जी, ये शायद चारा लेने जा रहे हैं। साथ इनका बेटा है जिसकी उम्र तो बाजार पड़ने वाली है, लेकिन वो कहते हैं ना, हालात इंसान को मजदूरी पर मजबूर कर देते हैं।